डीसी वाले बहुत खतरनाक है। पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया कि 2022 में उनकी 4 बड़ी मूवीज रिलीज होगी। फिर 4 महीने पहले उन्होंने 4 घंटे का डीसी फैंडम भी रखा, जहां उन्होंने सभी मूवीज और टीवी सीरीज को अनाउंस किया, लेकिन फिर एन मौके पे सबकी रिलीज डेट ही बदल डाली। अब यार इसका रीजन क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। पता है तो बस यही कि डीसी वाले बहुत ही ज्यादा खतरनाक है अपने ही फैंस का काटने के मामले में। सो हेलो फ्रेंड्स, तो अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि डीसी ने अपनी सभी मूवीज की रिलीज डेट्स को आगे ढकेल दिया है, लेकिन यार आखिर उसका रीजन है क्या? तो दोस्तों रीजन क्या है उस पे तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को इन डिलेड मूवीज की न्यू रिलीज डेट्स बता देता हूँ। तो दोस्तों द बैटमैन के बाद जो अगली मूवी रिलीज होने वाली थी वो थी ब्लैक एडम, जो कि जुलाई 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब उसकी नई रिलीज डेट है 21 अक्टूबर 2022 की। फिर उसके बाद द फ्लैश मूवी रिलीज होने वाली थी, जो कि मल्टीवर्स पे बेस्ड थी। तो दोस्तों अब पहले तो ये मूवी नवंबर 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा जून 2023 में, जिसका मतलब ये है कि अब इस मूवी को देखने के लिए आपको 1 साल से भी ज्यादा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिर अगली मूवी है एक्वामैन 2, जो कि दिसंबर 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन यार अब आपको एक्वामैन 2 के लिए भी 17 मार्च 2023 तक का वेट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इसके अलावा भी एक एनिमेटेड मूवी रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम है डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स, जो कि पहले तो मई 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये एनिमेटेड मूवी देखने के लिए भी आपको 29 जुलाई 2022 तक का वेट करना पड़ेगा। अब यार देखो बाकी मूवीज का तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस एनिमेटेड मूवी की रिलीज डेट को चेंज करने की जरूरत ही क्या थी यार। लेकिन यार चलो, इतने सारे बुरे खबर दिए तो एक अच्छी खबर भी आप सबको दे ही देता हूँ। तो डीसी फैंस के लिए एक अच्छी खबर ये है कि शज़ाम 2, जो कि ओरिजिनली जून 2023 में रिलीज होने वाली थी, उसकी रिलीज डेट को अब थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया गया है, और अब शज़ाम 2 आपको 12 दिसंबर 2022 में ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन यार जरा देखो आखिर जगह भी किसकी लिए इसने, एक्वामैन 2 की, क्योंकि ओरिजिनली दिसंबर 2022 में एक्वामैन 2 रिलीज होने वाली थी। तो दोस्तों ये थी आने वाली डीसी मूवीज की न्यू रिलीज डेट्स जो मैंने आप सबको बता दी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर इन मूवीज को डिले क्यों किया गया। ना तो अभी कोविड का कोई टेंशन है, ऊपर से द बैटमैन बॉक्स ऑफिस पे अच्छी जा रही है, फिर इन मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन वाली चीजों के लिए भी डीसी के पास काफी टाइम था, और यार इसके अलावा इन मूवीज के रिलीज डेट्स के आसपास कुछ खास कंपटीशन भी नहीं था। तो फिर आखिर इन्होंने इन मूवीज को डिले क्यों किया? अब यार देखो मुझे यहाँ जितना समझ आ रहा है वो मैं आप सबको बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वार्नर ब्रदर्स को ये लगा हो कि उनको जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को इरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ऐसे र्यूमर्स भी आए थे कि द फ्लैश मूवी में स्नाइडर वर्स को पूरी तरह से इरेज कर दिया जाएगा, और इस बात को सुनने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन क्या था ये तो आप सबको पता ही है। तो दोस्तों इसलिए ऐसा हो सकता है कि ऑडियंस के रिएक्शंस को देखकर वार्नर ब्रदर्स को थोड़ी सी अकल आ गई हो, और इसलिए शायद अब वो लोग रीशूट्स करके बाकी सारी मूवीज को भी स्नाइडर वर्स का पार्ट बनाना चाहते हैं। और दोस्तों अगर बाय चांस मेरा ये अंदाजा सही हो जाता है तो फिर तो यार मैं वार्नर ब्रदर्स को अपने सर पे उठा लूंगा। लेकिन यार अगर उन्होंने बस यूं ही इन मूवीज की रिलीज डेट्स को आगे बढ़ाया है तो फिर डीसी वाले बहुत खतरनाक हैं। हो सकता है कि उनको ऐसा लगा होगा कि यार हमारे तो कॉपीराइट देने के बावजूद भी ये यूट्यूबर्स हम पे वीडियोस बना ही देते हैं, यार एक काम करते हैं अपनी मूवीज की रिलीज डेट्स को ही आगे बढ़ा देते हैं, ना हमारी मूवीज रिलीज होगी और ना ही कोई यूट्यूबर हम पे वीडियो बनाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, सारे के सारे सुपर हीरो चैनल्स परेशान हो जाएंगे और सिर्फ मार्वल के ऊपर ही वीडियोस बनाएंगे, और फिर जो हमारे प्यारे डीसी फैंस है वो उनकी वीडियोस में मार्वल का दलाल कमेंट करके निकल जाएंगे। वार्नर ब्रदर्स यही प्लान है ना तुम्हारा? तो दोस्तों यहाँ मैं वार्नर ब्रदर्स से बस यही कहना चाहूंगा कि भाई तुम लोग अपनी पिक्चर को 10 साल बाद रिलीज करना मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार कम से कम पिक्चर अच्छी बनाना। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।